तथा भक्तामृ स्तोत्र की भाव यात्रा की पवित्र प्रवचन श्रृंखला में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। आप सभी को और जूम सिस्टम से जुड़े हुए या मतलब ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी मेरे श्रोता हैं सभी को श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर वर्तमान में हम सभी के शासन नायक शिवाचार्य भगवान या आचार्य सम्राट ध्यान योगी गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के जन्मदिन पर बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उनके दीर्घ आयुष्य की और स्वस्थ जीवन की आत्म ध्यान साधना के प्राकाष्ठा की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामना। वर्तमान में हमारे आचार्य सम्राट सूरत के अंदर विराजमान हैं। उनके मंगल सानिध्य में 17 और 18 दो दिवसीय कार्यक्रम चल रहे हैं और हम सभी आपकी उपस्थिति में आपकी तरफ से भी शिवाचार्य भगवान को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के बाद इतने लंबे काल तक इस पद को जो सुशोभित कर रहे हैं और आगे भी करें, हमारे शिवाचार्य भगवान जिनको लगातार 42 वर्ष हो गए हैं वर्षी तक की आराधना करते करते, ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। 83 साल की उम्र में भी उनका नूरानी चेहरा चमकता है, दमकता है और ये सब उनकी आत्म साधना का गजब का प्रभाव है और इस प्रभाव से समस्त जनमानस को वो प्रभावित करते रहे, यही मैं मंगल कामना करता हूं। भक्तामृत स्तोत्र के 34वें श्लोक में प्रवेश करें, उससे पहले क्योंकि आज भामंडल है, ये 7वां अष्ट महाप्रत्याहार्य है, ये अद्भुत है। प्रभु की शुकल ध्यान की अवस्था में जो उनका आभा मंडल आया है और उस आभा मंडल को जग जाहिर करने के लिए प्रगट, नहीं तो हम सभी का गुप्त आभा मंडल होता है लेकिन उस आभा मंडल को प्रकट करने के लिए जो देवराज इंद्र प्रयास करते हैं अष्ट महाप्रत्याहारी के रूप में, 7वां अष्ट महाप्रत्याहारी है भामंडल, तो उसके ऊपर कुछ बोले तो 2 लाइने गीत की गा लेते फिर आगे चलते हैं। भावना चार हैं चारों ही अपना रंग दिखाती है, भावना चार हैं चारों ही अपना रंग दिखाती है।
कि यह किस टाइप का प्राणी है, भावनाएं बताती है कि यह किस टाइप का प्राणी है, भावनाएं बताती है। भावना चार हैं, चारों ही अपना रंग दिखाती है। पहली भावना कैसी है? जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है, जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है। मानवी भावना संसार में रहना सिखाती है, मानवी भावना संसार में रहना सिखाती है। भावना चार है, चारों ही अपना रंग दिखाती है। दूसरी भावना, जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा वह भी मेरा है, जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा वह भी मेरा है। आसुरी भावना संसार में झगड़ा कराती है, आसुरी भावना संसार में झगड़ा कराती है। भावना चार हैं, चारों ही अपना रंग दिखाती है। तीसरी भावना, जो तेरा है सो तेरा है, जो मेरा वह भी तेरा है, जो तेरा है सो तेरा है, जो मेरा वह भी तेरा है। देवीये भावना संसार में आदर्श बनाती है, देवीये भावना संसार में आदर्श बनाती है। भावना चार हैं, चारों ही अपना रंग दिखाती है कि यह किस तरह का प्राणी है, भावनाएं बताती है। भावना चार है, चारों ही अपना रंग दिखाती है। आखिरी भावना, न तेरा है न मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। इसे सत्य भावना कहते, यही मुक्ति दिलाती है, इसे सत्य
भावना कहते यही मुक्ति दिलाते है भावना चार है चारों ही अपना रंग दिखाती है कि यह किस टाइप का प्राणी है भावना ये बताती है भावना चार है चारों ही अपना रंग दिखाती है। हम इन चार प्रकार की भावनाओं में से किस भावना के प्रतिनिधि हैं, किस भावना को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्वयं विचार कीजिए। पर एक बात याद रखिए, आज जो भामंडल का जिक्र हो रहा है, इस भामंडल में सबसे बड़ा रोल भावनाओं का ही है। हमारा जो ओरा सर्कल है, जिसको ओरा बोलते हैं, ये विज्ञान की भाषा है ओरा। इसी को जैन धर्म में भामंडल कहते हैं, आगमों में इसे लेशिया कहते हैं। और ईसाई धर्म में इसको डार्क लाइट ऑफ सोल कहते हैं। और इसी शब्द को आचार्य मानतुंग ने प्रभाव वाला इस शब्द का प्रयोग किया है। पहले हम उच्चारण कर लेते हैं श्लोक का, फिर उसमें प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। सोमभद्र प्रभावलय भोरी विभावि भोस्ते लोकत्रय दुतिमतम दुतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्तपि निशामपि सोम सौम्याम दीप्त्या जयत्तपि निशामपि सोम सौम्याम सुम्भत् प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते। सुम्भत् प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रय द्युति द्युतिमता द्युतिमाक्षिपन्ति लोकत्रय द्युतिमता द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम सौम्याम। आज के श्लोक में आचार्य मानतुंग ने अपने आराध्य भगवान आदिनाथ की शुकल ध्यान की अवस्था से उपजा जो
आभा मंडल है, जो प्रभा मंडल है, जो प्रभा वलय है, उसकी एक महत्वपूर्ण जानकारी कह सकते हैं, या उस आभा मंडल का क्या करिश्मा है, क्या चमत्कार है, और उस आभा मंडल को देवराज इंद्र किस तरह से अपनी रिद्धि सिद्धि और भक्ति के माध्यम से उसको जन समक्ष करता है, उसे समोसरण में प्रतिष्ठित करता है, और उस आभा मंडल का पूरे समोसरण में क्या प्रभाव पड़ता है, और उस आभा मंडल को क्यों वो प्रतिष्ठित करता है, इसके पीछे क्या वजह है, इसको हम इस 34वें श्लोक के माध्यम से समझते हैं। पहले इसका थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं। ये नीचे की लाइन से शुरू किया है इसका अर्थ। प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या, प्र जमा उद्यत जमा दिवाकर, प्रोद्यत दिवाकर, प्र उद्यत प्रोद्यत, यानी वह सूर्य जो विशेष रूप से प्रकृष्ट रूप से उत्कृष्ट रूप से या विशेष रूप से, आप कैसे भी समझ लीजिए, ये विशेष रूप भी है, उत्कृष्ट रूप भी है, प्रकृष्ट रूप भी है, यह अच्छाई की जो भी क्लाइमैक्स है, प्रोद्यत दिवाकर निरंतर, निरंतर की कई परिभाषाएं हैं, तो लगातार और एक साथ साथ, ये भी निरंतर शब्द में आता है, साथ साथ, भूरी भूरी, ये भूरी शब्द हम बोलते हैं ना किसी की, उसने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की, भूरी भूरी प्रशंसा की, भूरी का मतलब क्या है, जो भी बहुत ज्यादा दिल से, जब आदमी बड़ा प्रसन्न होता है और जो उद्गार हृदय से निकलते हैं, जिस उद्गारों में कोई बनावट नहीं है, उसको कहते भूरी, वास्तविक प्रशंसा, बल्कि यह अच्छा शब्द है, मतलब रियल प्रेज जिसको बोलते हैं, मतलब कोई बनावट नहीं है, जो उसने महसूस किया वो प्रकट कर रहा है, अपने आनंद को शब्द दे रहा है, अपनी खुशी को शब्दावली दे रहा है, इसको भूरी शब्द का प्रयोग किया है, और भूरी का मतलब अनेक भी होता है, अनेक, बहुत बहुत में तो अनेक अपने आप ही आ गया, ऊपर से आ गया संख्या, संख्या यानी गिनती, संख्या यानी गिनती, तो क्या हुआ, प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या, यानी एक साथ अनेक सूर्य एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं, अनेक सूर्य, तो संख्या अनेक संख्या में आ गया, अनेक भूरी संख्या का मतलब अनेक संख्या में एक साथ उदय हो रहे, एक साथ सूर्य, ऐसे
और ये वातावरण है अंदर का, उस आभा मंडल का। उस आभा मंडल के अंदर ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितने सूर्य एक साथ एक ही जगह चमकने लग रहे हैं। इसको कहते प्रकृष्ट रूप से, मतलब जो भी सूर्य का भव्यतम रूप है, जो भी सूर्य का उत्कृष्टतम रूप है, वो वहां प्रकट हुआ है और दोनों का मिलान है यहां पर। ते विभो, विभोस्ते है ना, वो ऊपर वाली लाइन से लिया है, सुम्बत प्रभा वलय भूरी विभा विभोस्ते। विभा अलग है, विभो अलग है। विभा चमक को कहते हैं विभा, और विभो प्रभु को कहते हैं, भगवान को कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं विभो। विभु से प्रभु, प्रभु कहिए विभु कहिए, बात एक ही है। तो विभोस्ते, हे प्रभु तुम्हारे प्रकृष्ट रूप से एक साथ ही पास पास उदय होने वाले अनेक सूर्यों के समान, हे प्रभु तुम्हारे सुम्भत प्रभा वलय भूरी विभा। यहां भूरी शब्द फिर प्रयोग किया गया है, भूरी विभा। सुम्भत प्रभा वलय, सुम्भत नितांत शोभनिक, नितांत मतलब जिसकी शोभा में, जिसके सौंदर्य में कोई कमी नहीं है, नितांत। सुम्भत प्रभाव वाला, वो सुम्भत शब्द का प्रयोग किया गया, सुम्भत यानी नितांत, नितांत जो भी अंतिम, नितांत शोभनिक प्रभा मंडल की अतिशय की जगमगाती ज्योति। सुम्भत प्रभा वलय, नितांत शोभनिक जो प्रभा वलय है, प्रभा वलय, वलय चक्रकार को कहते हैं, चक्र को कहते हैं वलय, प्रभा वलय जो एक प्रभा का वलय है, गोलाकार है। जो आपने देखा होगा कभी कभी हमारे चित्रों में भी वो आभा मंडल को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो तो चित्रों में है और वहां तो सामने प्रकट हो रहा है, उसकी चमक भी बड़ी गजब की है, उसकी दमक भी बड़ी गजब की है, और उसकी शीतलता भी बड़ी गजब की है। तेज है सूर्य जैसा और शीतलता है चंद्रमा जैसी, यानी दोनों एक साथ चमक दमक सूर्य जैसी, और वो भी ऐसे लगता है जैसे हजारों सूर्य चमक रहे हों, असंख्य सूर्य चमक रहे हों, और शीतलता ऐसी जैसे हजारों चंद्रमाओं की शीतलता हो। क्योंकि आगे बोला है दित्या जयत्तपि निशामपि सौम्य सौम्याम, सौम चंद्रमा को कहते हैं, चंद्रमा की सौम्यता, चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा की ठंडक, चंद्रमा की शीतलता। निशामपि जयत्य जयति अपि निशामपि, उस प्रभा मंडल की जो दीप्ति है, दीप्त्या यानी उस चमक के द्वारा, उस प्रभा मंडल की ज्योति के द्वारा, उस प्रभा मंडल की चमक के द्वारा, दमक के द्वारा, निशामपि ऐसा अंधकार जो अमावस्या की रात में होता है, निशामपि यानी घोर अंधकार को भी जिसने पूरी तरह से जीत लिया है। इसलिए आपको एक गहरी बात बता देता हूं, भगवान के समोसरण में दिन और रात का पता ही नहीं चलता, दिन और रात का, वहां रात होती ही नहीं है। यही तो भगवान महावीर की आखिरी देशना कितने घंटे की, कितने घंटे की, 48 घंटे चली है उनकी देशना, यानी बेला है दिन रात, क्योंकि 24 घंटे एक दिन रात में होते हैं, 48 घंटे तक लगातार देशना चली है, तो वहां पे रात तो दो बार आई होगी या
तो आप ये मान करके चले कि वहां रात्रि के अंदर ही पता ही नहीं चलता, क्योंकि वहां सूर्य और चंद्रमा दोनों की मौजूदगी की प्रतीति होती है, दोनों की उपस्थिति की अनुभूति होती है। इसलिए भगवान की वो जो समोसरण की छटा है वो अद्भुत है, उस छटा को निहार रहे हैं। आचार्य मान तुम कहां से? काल कोठड़ी से, जहां हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा, वहां एक भक्त शिरोमणि आचार्य को भगवान का समोसरण दिखाई दे रहा है। इसको कहते हैं श्रद्धा की ताकत, आस्था की शक्ति, और ये भक्ति के द्वारा ही पैदा हो सकती है। ये भगवान के साथ जुड़ने के बाद ही पैदा हो सकती है। ये प्रभाव है भगवान से जुड़ने का, कि भगवान से जुड़ते ही ऐसा कुछ होने लगता है जो हमारी और तुम्हारी सोच से परे है, हम सामान्य अवस्था में जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ घटित होने लगता है। परमात्मा की आराधना में, परमात्मा की साधना में, भगवान की भक्ति में। तो बोल रहे हैं दीप्त्या जयत्तपि निशामपि सोम सम्याम, हम समझ गए होंगे, यहां पर एक शब्द लाइन छूट गई है, लोकत्रये दुति मताम दुति माक्षी पंति। लोकत्रये यानी तीनों लोकों में, लोकत्रये दुति मताम यानी तीनों लोकों में जितनी भी चमकने वाली चीजें हैं, द्युतिमान है, जो द्युतिमताम द्युतिमान चमकदार जितनी भी चमकदार चीजें हैं, जिन जिन की हम उपमाएं देते हैं, ये चमकदार ये ज्योतित्वान, ये ज्योतिर्मयी, यानी तीनों लोक की जितनी भी ज्योतियां हैं, जितनी भी चमकीले पदार्थ हैं, उन सभी की उपमाओं को जिन्होंने निरस्त कर दिया है, जीत लिया है, द्युति मताम द्युतिम चमकती हुई वस्तुओं की चमक को, अक्षिपंती, यहां जो माक्षिपंती है ये आक्षिपंती है, आक्षिपंती का मतलब होता है उस चमक को जिसने पराजित कर दिया है, यानी जिसकी चमक के आगे उनकी चमक फीकी लगती है, ये समझ लो, यानी उस प्रभा मंडल की चमक के आगे तीन लोक की हर चमकने वाली चीजें फीकी पड़ मालूम देती है, यानी उस चमक के आगे कोई और चमकीली लगती ही नहीं ना, तीनों लोकों में ऐसी चीज है ही नहीं जो भगवान के उस आभा मंडल की चमक का मुकाबला कर सके। इसलिए बोला है आक्षिपंती का मतलब है पराजित कर दी है उन सभी चमक को, यानी तीन लोक की चमकीले सभी पदार्थ एक तरफ और भगवान के आभा मंडल की चमक एक तरफ। अब मैं समझता हूं आप लोग समझ गए होंगे जो भी मैं समझाना चाहता हूं, कि ये अद्भुत आभा मंडल है, ये अद्भुत प्रभाव वलय है भगवान का। तभी तो कहता हूं कि भगवान का समोसरण का जो ऐश्वर्य है ना, इस ऐश्वर्य के आगे देवलोक का ऐश्वर्य भी फीका पड़ता है। देखिए उस ऐश्वर्य का निर्माण परमात्मा की पुण्यवाणी के सहयोग से स्वयं इंद्र करते हैं, तो आप ये समझिए जिन चीजों का निर्माण इंद्र ने किया है
तो वो इंद्र से बड़ी कैसे, छोटी कैसे हो सकती है, बड़ी कैसे हो सकती है? मैं इस तरह, क्योंकि वो जो चीजें हैं, जिन चीजों का निर्माण इंद्र ने किया है, वो उनकी शक्ति है, लेकिन परमात्मा का जो वहां पर रूप है, वहां पर जो उनका प्रभाव है, उस प्रभाव से वो चीजें और दुगनी तिगनी उनके प्रभाव से और चमत्कृत हो जाती है। ये उनका प्रभाव है। तो एक तो निर्माता का प्रभाव और एक स्वयं भगवान की भगवत्ता का प्रभाव। इसलिए कभी कभी देवलोक के इंद्र भी उस परम सौंदर्य को देखकर वो भी दीवाने हो जाते हैं। वो भी ये सोचते हैं, मैंने भी नहीं सोचा था मेरी बनी हुई चीज इतनी बड़ी हो जाती है। तब पता लगता है मेरी चीज तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन सारा चमत्कार तो भगवान का है। अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, उस प्रभा मंडल, उस प्रभा वलय की वजह से, उस आभा मंडल की वजह से, उस आभा मंडल के प्रकाश में जो भी वहां गया है, उस समोसरण में जो भी बैठा हुआ है, उस प्रकाश की वजह से, उस आभा मंडल की वजह से वहां पर बैठने वाले को अपने सात भाव नजर आने लग जाते। कितने? सात भाव, तीन पिछले, तीन अगले और एक वर्तमान, सब कुछ नजर आने लग जाता है उस प्रकाश में। यह है उस प्रकाश का चमत्कार। तभी तो कहता हूं कि भगवान के समोसरण में हम अपनी आत्मा की अनुभूति बड़े आसानी से कर सकते हैं। हमारे हर सवाल का जवाब वहां अपने आप मिल जाता है। तो ये प्रभाव है समोसरण का। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, जब भी आप समाय करो तो समोसरण का ध्यान जरूर किया करो। किसका ध्यान? समोसरण का ध्यान। और ये चीजें मैं इतनी खोलकर इसलिए बतला रहा हूं ताकि उस ध्यान के अंदर आपको आसानी हो। चाहे वो अशोक वृक्ष है, चाहे वो सिंहासन है, चाहे वो चंवर है, चाहे वो छत्र है, चाहे वो देव दुंदुभी है, और चाहे वो कल किसके बारे में सुना था, हाँ, चाहे वो पुष्प वृष्टि है, और चाहे आज आभा मंडल है। ये है विशेष, ये समोसरण का जो जिक्र है, ये जो समोसरण की चर्चा है। तो जैसे आप आंख बंद करके गहराई में डूब जाते हो और एक लय हो जाते हो, तुम्हें दिखाई ये देने लगता है कि मेरे सामने भगवान विराजमान हैं और मैं उनके समोसरण में बैठा हुआ हूं। और इस प्रकार अष्ट महाप्रत्याहार्य वहां पर जो प्रकट हो रहे हैं, उन अष्ट महाप्रत्याहार्य का प्रभाव और भगवान की भगवत्ता का प्रभाव मेरे रोम रोम को छू रहा है, मेरे समस्त आत्म प्रदेश को स्पर्श कर रहा है। और जैसे ही आप की लय बंधने लगती है, लयबद्ध होने लगती है, आपका ध्यान जितना गहराई में जाने लगता है, परमात्मा का स्वरूप सामने प्रकट होने लगता है, समोसरण की उपस्थिति की अनुभूति होने लगती है, उस अनुभूति के अंदर एक ऐसे आनंद की अनुभूति होने लगेगी। क्योंकि वो अनुभूति जितनी गहरी होती जाएगी, आपके अंतर का आनंद, आपकी आत्मा का आनंद वैसी प्रकट होने लगेगा। और उस आनंद की अनुभूति करने के बाद
आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे मेरा आत्मा स्नान कर रही है प्रभु की कृपा में, सब कुछ छूट जाएगा, जो भी बाहर का व्यवहार है वो सब छूट जाएगा, क्योंकि आप स्वयं आत्मा से मुलाकात कर रहे हो। आत्मा से ही नहीं, परमात्मा के माध्यम से अपनी आत्मा से और अपनी आत्मा के माध्यम से परमात्मा से आपका साक्षात्कार हो रहा है। और इस साक्षात्कार की स्थिति के अंदर आप अंतर से इतने निर्मल होना शुरू हो जाओगे, आपके अंतर में इतने निर्मल भाव आने शुरू हो जाएंगे, और जब आप ध्यान खोलोगे तो ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी दिव्य लोक की यात्रा करके आया। यह है अंतर की यात्रा, यह है परमात्मा की यात्रा। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते इस तरह से, हमारे आकर्षण के दो केंद्र हैं। आकर्षण यानी दो चीजें हमें बहुत प्रभावित करती हैं। आपको मालूम है हमारी दो इंद्रियां हैं जो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। कौन सी? एक हमारी आंख, राइट, और एक हमारे कान। आंख से हम देखते हैं और उसका भी एकदम हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, और कुछ हम सुनते हैं उसका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर मैं निर्मल भाव से सुना रहा हूं, अगर आप निर्मल भाव से सुन रहे हैं, तो आप एकदम एकाएक एकाएक वो निर्मल भाव जितने उत्कृष्ट होते जाएंगे, वो निर्मल भाव आपको अंदर के निर्मल स्वभाव से जोड़ देंगे, और जैसे आप अंतर के निर्मल स्वभाव से जुड़ जाएंगे, वैसी एक अंतर में अंदर में एक गजब की ताजगी का अनुभव करेंगे। उसी ताजगी को हम सकून कहते हैं, सकून। और आपको यह भी बतला देता हूं, हमारी वाणी से और हमारी आंखों से, क्योंकि वाणी का कनेक्शन कान से है और दृश्य का कनेक्शन आंखों से है। शब्द कान से जुड़े हुए हैं, दृश्य आंखों से जुड़े हुए हैं। शब्द वाणी से जुड़े हुए हैं क्योंकि निकलती यहां शब्द यहां से निकलते हैं, शब्दों का प्रवाह वाणी से निकलता है और वो सीधा उन शब्दों को श्रवण करती है हमारी कर्ण इंद्री, हमारी स्रोत इंद्री, हमारे कान उसको श्रवण करते हैं, उसको सुनते हैं, और जो भी दृश्य उपस्थित हुआ है उसके साक्षी हमारी आंखें बनती हैं। तो भगवान के समोसरण में दोनों ही चीजें बड़ी एक्टिव है। एक तो आंखें, आंखें आप ये देखिए, ये चमड़े की आंखें जब परमात्मा को निहार रही हैं, परमात्मा को निहारते निहारते हमें आत्मा भी नजर आने लग जाती है। ये समोसरण का चमत्कार दिखा रहा हूं, इसलिए मैं आपको समोसरण का ध्यान करने की क्यों प्रेरणा दे रहा हूं, मैं इसलिए दे रहा हूं आपको प्रेरणा, ये समोसरण का ध्यान जितना आप करने लग जाओगे, जितना आप करने लग जाओगे, तो ये ध्यान हमारा कभी भी संकल्प बन सकता है, और ये संकल्प कभी हमारा संस्कार बन सकता है, और ये संस्कार कभी ना कभी हमको समोसरण से जोड़ सकता है। यानी या तो हम उस समोसरण में बैठने लायक बन सकते हैं या उस समोसरण के मालिक बन सकते हैं। आप लोग कभी कभी मंत्रों में घुस जाते हो, स्तोत्रों में घुस जाते हो, लेकिन कभी कभी हम आत्मा का जो प्रबल रूप है, क्योंकि अगर भगवान की अरिहंत अवस्था है, वो अरिहंत की जो अवस्था वो शरीर की नहीं है, वो अरिहंत की अवस्था आत्मा की अवस्था है, और वही अवस्था को लेकर के हम भी पैदा हुए हैं।
यानी बेशक इस समय हमारा औदारिक शरीर निकृष्टतम अवस्था में है, क्योंकि हमारे पास वज्र ऋषभ नारद संगनन नहीं है, हमारे पास समचतुर संस्थान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आत्मा तो वही है जिस आत्मा में परमात्मा को प्रकट होना है। और जितना हमारे पास वर्तमान में सामर्थ्य है, क्योंकि ये काल जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना ही सामर्थ्य हमारा कम होता जाएगा, ये आप मान के चलिएगा। ये तो आज भी हम खुश नसीब हैं कि हम पंचम आर्य के उस काल के अंदर हैं, क्योंकि अभी केवल 2500 साल ही व्यतीत हुए हैं, उस काल के अंदर हैं जहां हमारी संवेदना आज भी जिंदा है, आज भी हम परमात्मा की कल्पना कर सकते हैं, आज भी हम अपने भाव में उतर सकते हैं, आज भी हम अपनी लेशियाओं को शुद्ध कर सकते हैं। ऐसी स्थिति है अभी अभी हमारी। जो जो इसका काल बढ़ता जाएगा उतने ही हम संवेदनहीन होते जाएंगे, और जितने हम संवेदनहीन होते जाएंगे उतने ही हम पत्थर जैसे होते जाएंगे, जितने हम पत्थर होते जाएंगे उतने ही हम धर्म से दूर हटते जाएंगे, जितने हम धर्म से दूर हटते जाएंगे उतने ही हम अपने अंतर के आनंद से दूर होते जाएंगे, और जितने हम अपने अंतर के आनंद से दूर होते जाएंगे उतने ही हम निकृष्ट होते जाएंगे, दुर्गति का बंद होता जाएगा। ये जो शुभ संयोग मिला है जिनवाणी श्रवण करने का, मैंने बताया था ना, आने वाला समय जिनवाणी सुनने में रस नहीं आने वाला, क्योंकि लोग इतने स्वार्थी हो जाएंगे, इतने सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, उनको कोई लेना देना नहीं भगवान का, लेना देना नहीं, और भगवान की भी भक्ति करेंगे अपने मतलब के लिए करेंगे, कोई भगवान के लिए कोई भक्ति नहीं करेगा। क्या बोला मैंने अभी? अपने मतलब के लिए भक्ति करेंगे, भगवान के लिए कोई भक्ति नहीं करेगा। और भगवान मिलता तभी है जो भगवान के लिए भक्ति करता है। मतलब के लिए भक्ति करने वाले को कभी कभी ना चीजें मिलती है ना भगवान मिलता है, समय और खराब हो जाता है। आदमी थोड़ा सा करता इतराएगा ज्यादा, है ना? वही वाली कहावत आती है, अहिरन की चोरी करे करे सुई का दान। आहा, ये होगा आगे, ये शब्द आए, क्या बोला मैंने अभी? अहिरन की चोरी करे करे सुई का दान, कोठे ऊपर चढ़ देखे कब आवे विमान। इसका मतलब जानते? आपको अहिरन का पता ही नहीं होगा। अहिरन उसको कहते हैं जो लोहार जहां लोहे को पीटता है, एक बड़ा एक शिला होती है उसके पास, लोहे की एक शिला होती है, बड़ी भारी होती है, जिसके ऊपर वो पीटता है, कुछ ना कुछ बनाता रहता है। अहिरन की चोरी करे, यानी इतना बड़ा लोहा की तो चोरी करे, और करे सुई का दान। दान करेगा कितना? सुई जितना। और सुई जितना दान करके इतना उछलेगा, इतना फुदकेगा, जैसे पता नहीं उसने क्या दान कर दिया। तभी तो आदमी 500 रुपए लिखो, 500 रुपए दे करके कहे, ए भाई मारा नाम नहीं बोला तूने। 500 रुपए 100 रुपए का दान देने के बाद कहते कि मारा नाम नहीं बोला आपने अभी तक। और हमारी समाज में तो नाम लिखवाने की इतनी गंदी प्रथा है, पूछो ही मत। मतलब गुरुद्वारों में किसी का नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, गिरजाघरों में मस्जिदों में नाम लिखा हुआ नहीं मिलता, हमारे थानकों में। मैं तो आश्चर्य में जब पड़ गया जब लेटरिन के बाथरूम की जो छोटी सी बाल्टी होती ना उस पे भी लिखा हुआ था सेप्रेम बैट। ओ मैं बोला तेरा भला हो। मैंने कहा भाई ये सेप्रेम बैट वहां तक क्यों पहुंचा? जी एक वही तो जगह जब आदमी इंतमीनान से बैठेगा, क्योंकि किसी की उतरती तो है नहीं, कम से कम थोड़ी देर देखेगा तो सही। हो तेरा भला। मतलब तो आदमी कहां तक पहुंच गया कि वो देखना चाहता है। मैं कभी कभी कहता हूं पंखों पे नाम क्यों लिखवाते हो, क्योंकि जब वो चलेगा जब तो नाम तो दिखाई देगा नहीं। मुखर्जी जी रुक, कम से कम गर्मी लग रही होगी, पंखा बंद होगा, पंखे की तरफ ध्यान तो जाएगा, क्योंकि आदमी की आदत है जैसे गर्मी लग रही हो अंदर घुसे देखा यार पंखा है कि नहीं, है ना? आजकल तो ऐसी देखने लग गए कि ऐसी है कि नहीं।
तो आप ये देखिए, आदमी के अंदर ये जो दिखावे की बीमारी आई है, ये बीमारी और बढ़ेगी, और ये दिखावा जितना बढ़ेगा उतना ही परमात्मा से हम दूर हटते चले जाएंगे। परमात्मा दिखावे से नहीं मिलता, परमात्मा मोहब्बत से मिलता है, संवेदना से मिलता है। तो ये लेशिया जो है ये हमारे आभा मंडल को प्रभावित करती है। हमारे यहां लेशिया किसको कहते हैं? लेशिया का मतलब क्या है? कोई मैं पूछ लूं आपसे, लेशिया का मतलब क्या है? लेशिया का मतलब है परिणाम, भाव परिणाम। आपके जैसे भाव हैं वैसी हमारी लेशियाएं होती हैं। और लेशियाएं कैसी हैं आप खुद सोचिएगा। हमारे यहां 6 लेशियाएं हैं, 6 लेशियाओं में 3 अशुभ लेशिया है और 3 शुभ लेशिया है। ऊपर से नीचे उतरते हैं तो सबसे निकृष्टतम लेशिया ऊपर की है और सबसे उत्कृष्टतम लेशिया नीचे की। निकृष्टतम और उत्कृष्टतम, ये समझ गए होंगे। निकृष्टतम नीची से नीची लेशिया, घटिया से घटिया लेशिया, घटिया से घटिया सोच, घटिया से घटिया भाव, कृष्ण लेशिया वाले होते हैं, कृष्ण लेशिया। इसको समझाने के लिए उदाहरण दिया, मेरे पास समय नहीं है, समझाने के लिए संक्षेप में बतला देता हूं। ये प्रसिद्ध उदाहरण है, ये मैं कोई अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं, समझाने के लिए कि जैसे 6 मित्र गए हैं, 6 दोस्त गए हैं और एक बगीचे में गए हैं, उन 6ों को भूख लगी है और उनके सामने एक वृक्ष है जो फलों से लदा हुआ है। अब सोच देखिए सबकी। एक ने सोचा, बोला, अरे कुल्हाड़ी लाओ, इस वृक्ष को ही काट देते हैं, ये वृक्ष कट के नीचे गिरेगा और हम पेट भर के फल खाएंगे। एक ने पेड़ को काटने का ही सोच लिया, पहली सोच जो आई है, पेड़ को ही काट दो, कौन चढ़ेगा, कौन उतरेगा, कौन तोड़ेगा, कौन खाएगा, अबे इसे काटो, गिराओ और खाओ। दूसरे ने सोचा, नहीं भाई, ऐसा देखो कि फल कौन से तरफ ज्यादा लगे हुए है, उतने तने को तोड़ काट डालो, उसको काटो, वो खाएंगे। तीसरे ने कहा कि आप एक हिस्से को क्यों काटना चाहते हो, ये देखो कि किस तने के ऊपर ज्यादा फल लगे हुए हैं, उसको काट लो। एक ने कहा, भाई जहां ज्यादा गुच्छा है उसी को काट लो। कितने हो गए? 4 हो गए। पांचवें ने कहा कि सभी गुच्छे को काटने की क्या जरूरत है, जो फल पका हुआ है वही तो खाने का मतलब है, मतलब क्या है, तो जो पका हुआ फल है उसी को तोड़ के खा लो। छठे ने कहा, यार जो पेड़ के नीचे फल पड़े हुए हैं, टूटे हुए, इन्हीं को खाओ और अपनी भूख मिटाओ। अब देखो बात कहां से शुरू हुई और बात कहां पर खत्म हुई। ये सोच है, हम सभी की सोच है ये, कि एक सोच ऐसी है कि जड़मूल से खत्म कर दो, जड़मूल से काट दो। एक की सोच है कि नहीं 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 नहीं, जड़मूल से नहीं, कुछ तनों को काट लो, गुच्छों को काट लो, पक्के फलों को काट लो, गिरे हुए को खा लो। तो जो गिरा हुआ फल है इसका मतलब कितना दयालु होगा वो, जो अपनी भूख भी मिटाना जानता है और वृक्ष को कष्ट देना भी नहीं चाहता है। ऐसी स्थितियों से भी गुजरते हैं लोग। तो जितने हमारे भाव प्रकृष्ट होते जाएंगे, उत्कृष्ट होते जाएंगे, जितना अंतर का हृदय संवेदनशील होता जाएगा, उतनी हमारी लेशाएं शुभ होती जाएंगे, और जितने हम संवेदनहीन होते जाएंगे उतनी हमारी लेशाएं बिगड़ती हुई जाएंगे। और मैं इसको यूं भी कह दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जितना स्वार्थी बनते चले जाओगे आप उतने ही क्रूर बनते चले जाओगे,
और जितने आप परमार्थी बनते चले जाओगे, संवेदनशील बनते चले जाओगे, उतने ही आप सुकल ध्यान की अवस्था में चले जाओगे। यही आभा मंडल का संदेश है। यही देखिए, उस अष्ट महाप्रत्याहारियों के द्वारा भगवान को इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, जो वहां उस माहौल में पहुंचते ही सब कुछ क्लियर होने लग जाता है। यह है असल। इसलिए कहते कि ये समो शरण में आने का मतलब है परमात्मा की शरण में आना, और परमात्मा की शरण में आने का मतलब है परमात्मा को अनुभव करना। और परमात्मा का आप जितना अनुभव करोगे, उतने ही आप आत्मा का अनुभव कर पाओगे।